ओके सो दिस इज अ परचेज बुक आई हैव द बिल ऑफ दिस तो दिस इज नॉट समथिंग आर डाउनलोड अ पीडीएफ तो पीडीएफ से नहीं पढ़ना है इट्स रेकमेंडेड कि हम हमेशा ए की ऑफिशियल सोर्सेज से ही बुक्स परचेज करें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम कोई अनऑफिशियल सोर्स या पी वगैरह से पढ़ते हैं तो वी डोंट नो कि उस पी के अंदर स्टार्टिंग में तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर तो यहाँ पर लिखा हुआ सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू जून ट्वेंटी ठीक है एंड मैंने परचेस किया तो आई एम श्योर कि ये बुक लेटेस्ट ही होगी बट हाउ डू यू नो कि जो पीडीएफ तुमने अनऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड की है उसमें जो चीज़ें हैं वो लेटेस्ट है कि नहीं क्योंकि थोड़े बहुत चीज़ों में चेंजेस होते हैं वी हैव टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग क्योंकि एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ऑलवेज बाय ऑरिजिनल बुक्स फ्रॉम कापलान और बी पी पी एंड अपनी कंट्री के तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स से टाइप करके भी बुक्स ले सकते हो एट अ रीजनेबल प्राइसिस इफ़ यू थिंक के ए सी सी या बी पी पी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉस्टिंग बहुत महंगी है चलो गाइस लेट स्टार्ट सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन सो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो गाइस सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है तो सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन मैनेजिंग मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मनी तो जो भी हमारी कंपनी है लेट से दिस इज अ कंपनी कंपनी में जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंस उसको किन किन चीजों के रिगार्डिंग टू टेक केयर टू मैनेज द मनी सो कंपनी के अंदर जो मनी की रोटेशन होती है जो मनी आती है जाती है दोज आर फ्रॉम थ्री वेज फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट मीन्स के जो भी हमारे पास फंड रख हुए हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास टेन uh, करोड़ रुपीस के आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपीस सो लेट्स से मेरे पास टेन करोड़ रुपीस के फंड्स रखे हुए हैं ठीक है अब ये टेन करोड़ रुपीस के फंड्स बिजनेस के अंदर मेरे पास रखे हुए हैं तो इन फंड्स को मैं कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ लेट्सटे इसे एग्जाम्पल मैंने क्या किया मैंने बोला एक काम करते हैं इसमें से थ्री करोड़ का एक प्लान परचेज करते हैं टू करोड़ की एक बिल्डिंग लेते हैं और उसके बाद फोर करोड़ का हम स्टॉक परचेज करेंगे और वन करोड़ हम अपने पास वैसे ही रख लेंगे इन कैश ताकि ऑन द स्पॉट जब कोई वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे खर्चे वगैरह के लिए जो कैश चाहिए होता है वो रख लेते हैं ठीक है सो ये कैसे प्लान करना है दैट इज द जॉब ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग के हमारे पास जो फंड्स हैं वेयर वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट दी फंडस अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे जस्ट अभी तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी पैसे हमारे पास रखे हुए हैं उनको कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डिसीजन इज फाइनेंस डिसीजन अब फाइनेंस डिसीजन का मतलब क्या होता है फाइनेंस डिसीजन मीन्स कि जो भी पैसे हम जैसे हम बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वी नीड टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस तो देर आर टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस एक होता है जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है एक होता है जब हम कहीं से लोन लेते दो टाइप से पैसे इन्वेस्ट होते हैं अब यह भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पैसे आए हम कैसे लें क्या हम ओनर के फंड से लें विच इज कॉल्ड इक्विटी ओनर के फंड से लें दिस इज कॉल्ड इक्विटी या फिर हम लोन के थ्रू हम लें और लोन भी अगर लेना है तो देर आर लॉट ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहां से हमें लोन लेना है जहां पे प्रोसेसिंग फीस कम है इंटरेस्ट रेट कम है जहां पे हमारा कैश फ्लो का इफेक्ट कम पड़े तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी है क्टिविटी रिलेट्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब बिजनेस में पैसे कहाँ लगाने हैं फाइनेंस डिसीजन मतलब कि हमें कहाँ से लोन लेना है सोर्स कहाँ से हमें पैसे लेने हैं अंदाज आता है हमारा डिविडेंट डिसीजन सो डिविडेंट डिसीजन मीन्स अब हमने जब बिजनेस करा बिजनेस करके हमने जब बुक्स बनाई एंड में देखा कि हमने इतने प्रॉफिट्स अर्न करे अब वो जो प्रॉफिट्स हमने अर्न किए हैं वो प्रॉफिट क्या हम बिजनेस में ही रखें बिजनेस में ही रिटेन करें विच इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग सो व्हाट इज रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग मीन्स कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था वो प्रॉफिट हमने बिजनेस में ही रखा हुआ है सो दैट फ्यूचर में अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या कुछ भी काम करना हो हम ये वाले फंड्स यूज कर सकें और कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हमने क्या किया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड अब यह बात एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करनी है कि जो भी प्रॉफिट्स हमने अर्न किए हैं उसमें से कितना हमने बिजनेस में पैसे रखने हैं कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जनरली बहुत बच्चे ये बात सोचेंगे कि सर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है क्यों हमें शेयर होल्डर को पैसे देने बिजनेस में ही पैसे रखो गाइज एक चीज शायद तुम्हें याद होगी मैंने बी uh, टी में दैट मींस एफ वन में भी बताई थी और ये चीज हमने एफ थ्री में भी पढ़ी थी कि पॉइंट इज owner that means shareholder are separate from directors so the point is ye jo business hai hamara isme paise invest karte hain owners and business ko chalate hain directors business ko owners nahi chalate business is run by director तो अगर ये पैसा business में रहे या ये पैसा shareholder होल्डर को जाए इससे डायरेक्टर का कोई ऐसा फायदा नहीं है क्योंकि डायरेक्टर को तो अपनी सैलरी मिल, मिल रही है अपनी रेमुनेशन मिल रही है उसको ये नहीं है कि बिज़नेस में प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो उसको कमीशन मिलेगा या वो प्रॉफिट वैसे इसका कुछ शेयर है ऐसा बहुत रेयर होता है वैसे नहीं होता डायरेक्टर्स गेट सैलरी फ्रॉम द बिजनेस रेमंडेशन फ्रॉम द बिजनेस सो द पॉइंट इज डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी एक तरह से शेयर होल्डर ही करते हैं क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू सिंग टू डिसाइड कि जो पैसे हमें आए हैं हमें शेयर होल्डर में कितने बांटने हैं और बिजनेस में वो पैसे हमें कितने रखने हैं क्यों क्योंकि शेयर होल्डर अगर तुम किसी कंपनी के अंदर जैसे लोग स्टॉक लो, uh, में ट्रेड करते हैं वन इज कॉल्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब एक स्टॉक परचेस किया हंड्रेड रुपीज का और ये देखा कि स्टॉक जब बढ़ जाएगा वन फिफ्टी का हो जाएगा हम सेल कर देंगे दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अनदर इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग दिस इन्वेस्टिंग एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट इन्वेस्टिंग मीन्स तुमने कोई शेयर हंड्रेड रुपीज का परचेज किया और तुमने बोला मैं इस शेयर को सेल नहीं करने वाला मैं इसको लंबे समय के लिए रखूंगा अपने पास दस पंद्रह बीस पच्चीस साल ठीक है अब ये तो है चलो छोटा अमाउंट अब एक पर्सन ने लेट से किसी कंपनी में टेन करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए है। करते हैं बहुत लोग करते हैं तो अगर तुम कहीं पे टेन करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल वांट टू गेट सम रिटर्न्स क्योंकि तुम बेचना नहीं चाहते अपने शेयर्स तुम इन अब इस शेयर को बेचना नहीं चाहते यू वॉन्ट टू कीप दिस मनी इन द सेम कंपनी फॉर लॉन्ग सो वॉट विल यू एक्सपेक्ट कि हर साल जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसमें कुछ पैसे तुम्हें भी मिलने चाहिए अगर कुछ पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे तुम क्या बोलोगे कि भाई इससे बेटर तो मैं बैंक में एफडी कराता वहां से इंटरेस्ट तो आता तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड कि जो भी प्रॉफिट बिजनेस ने किया उसमें से कितने पैसे बिजनेस के अंदर रखने हैं और कितने पैसे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एज डिविडेंट सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक तो होता क्या है जैसे हमारी ये कंपनी है ठीक है अब कंपनी में सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस कहाँ से आएगा फाइनेंस कहाँ से आएगा या तो डेट डेट मीन्स लोन या फिर इक्विटी इक्विटी मतलब ओनर का पैसा तो या तो हम लोन के थ्रू बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे या फिर इक्विटी या फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन कि थोड़ा लोन थोड़ा इक्विटी उसके बाद जो कंपनी काम करेगी उसमें कंपनी पैसे कहाँ का इन्वेस्ट कर सकती है एक तो वर्किंग कैपिटल जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि डे टू डे खर्चों के लिए कंपनी अपने पास कितने पैसे रखेगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इन सब में कितने पैसे खर्चने और उसके बाद जो बिजनेस ने पैसे कमाए उसमें से कितने पैसे हमने आज डिविडेंड निकाल लें सो दीज आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन केयर बाय फाइनेंशियल मैनेजर सो इन टेकिंग दीज डिसीजन जो हमने तीनों पढ़े थे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एंड डिविडेंट दाइनेंशियल मैनेजर विल नीड टू टेक अकाउंट ऑफ उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एक तो उसको देखना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल है हमें कितने लंबे समय के लिए तो नॉर्मली एक बिजनेस यही सोचता है कि हम बिजनेस फॉर चलाएंगे बट किस स्केल पर हमें काम करना है एक छोटे एरिया में काम करना है हमें पैन इंडिया पूरे इंडिया में काम करना है पैन इंडिया मीन्स पूरे इंडिया में काम करना है या ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्रांचेस खोलनी है उसके अकॉर्डिंग ही विल डिसाइड कि कितनी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना हमें लोन चाहिए या ओनर से पैसे चाहिए ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट इसके साथ साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कि बिज़नेस का इन्वायरमेंट कैसा है इज इट फीजेबल टू इन्वेस्ट मनी इज इट फीजेबल टू टेक लोन इज इट फीजेबल गिव डिविडेंट की अगर हम डिविडेंट दे दे बिजनेस में पैसे नहीं बचे तो क्या होगा मार्केट में आगे बिजनेस कोरोना बहुत ज्यादा आने वाला एग्जाम्पल मतलब अभी की बात नहीं अब तो कंट्रोल हो गया पहले की बात मैं करूं जैसे सबको पता था कोरोना आने वाला है तो उस केस में हम क्यों बिजनेस से पैसे निकाल के डिविडेंड दे अभी बिजनेस में ही रख लो क्या पता कल को लॉसेस हो तो हम एटलीस्ट कुछ तो पैसे पुराने रखे हुए ना जो यूज कर सके वो चीज पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द डिसीजन एंड मेथड ऑफ मैनेजिंग दैट रिस्क जो भी हमने डिसीजन दिया है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे रिस्क हो सकते हैं कि अगर हमने बिल्डिंग ली कल को ये हो गया वो हो गया बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एवरी फाइनेंशियल मैनेजर शुड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू मैनेज द फंड्स इन दी बेस्ट वे फंड को अच्छे तरीके से संभालने के लिए अच्छे तरीके से करने के लिए अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसको सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि एक भी पैसा एक भी डॉलर एक भी पाउंड वेस्ट ना हो कंपनी का तो दैट इज इज द जॉब ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर और होता है कंपनी में बहुत बड़े बड़े लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं हु टेक दीज थिंग्स और बहुत अच्छा रोल कंपनी में वो प्ले करते हैं अब पहला डिसीजन हमारा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स वट एवर मनी वी हैव उस मनी को हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वेदर वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट लॉन्ग टर्म or और वेदर वी to टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट और कीप दैट अमाउंट working वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या तो वो फंड मैंने लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दिए प्लांट बिल्डिंग मशीनरी या फिर मैंने स्टॉक परचेज किया और मैंने कुछ कैश की फॉर्म में रख लिया कुछ बैंक में पैसे जमा करा दिए अपने वर्किंग कैपिटल के लिए सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंसिडर्स लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आर मेट दी प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन विल नियरली इन्वॉल्व दर्चेज ऑफ नॉन करंट एसिड एट द बिजनेस अ पॉइंट इज मैं नॉर्मली ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा बिकॉज दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें क्रक्स बता रहा हूँ सो माई ऑब्जेक्टिव वुड भी कि मैं तुम्हें हर चीज़ का क्रक्स बता दूँ तुम एक बार हर चीज को थॉरली रीड जरूर करोगी यूल हैव टू रीड एवरीथिंग ठीक है क्यों अगर तुम रीड नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनी थिंग यू विल नो द कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या होता है बट यू विल नॉट नो एग्जैक्ट लाइन और ए लीगल लाइन और एजुकेशनल लाइन दैट यू शुड राइट इन द क्वेश्चन इफ इट इज कम इट इट कम्स इन द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में लिखने को आ गया कि एक्सप्लेन लेट्स एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इससे तो हमें क्या समझ आ रहा है लॉजिक समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना लेकिन उसको तुम लिखोगे कैसे तो एक बार जब ये पढ़ लोगे यू विल गेट टू नो कि तुम्हें किस तरीके से चीजें लिखनी है नेक्स्ट इज हमारा होता है फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल एज वेल एज आइडेंटिफाइंग एंड इंप्लीमेंटिंग पोटेंशियली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इट मस्ट सर्वाइव डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एनश्योरिंग डेट्स आर कलेक्टेड इन्वेंट्री लेवल आर कैप्स एट मिनिमम लेवल कंपेटेबल विद एफिशंट प्रोडक्शन कैश बैलेंसेज आर इन्वेस्टेड अप्रोप्रिएटली एंड पेबल्स आर पेड ऑन टाइम मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हम स्टॉक अपना बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके ला रहे हैं कि जब बिकेगा तो नेक्स्ट परचेज करेंगे जो भी हमारे डेटर्स हैं कंपनी के डेटर्स मतलब रिसिवेबल्स उनसे टाइम पे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं जो भी हमारे पेबल्स हैं दैट मीन्स जिनसे हमने स्टॉक क्रेडिट पे परचेस किया था उनको हम टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं और हमने अपना कुछ कैश की फॉर्म में अमाउंट रखा हुआ है ताकि इन केस अगर एकदम से जरूरत पड़े तो हम यहां से निकाल सकें दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सो ये होते हैं हमारे टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है गाइस सो फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने क्या बताया था कि हमारा जो बिज़नेस है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है तो वो फंड्स हमें कहाँ से इन्वेस्ट करने हैं या वो मनी हम ओनर की जेब से लेंगे या फिर वो फंड्स हम लोन के थ्रू लेंगे लोन के थ्रू लेंगे तो कैसे कैसे लोन के थ्रू वो फंड्स ले सकते हैं कि इतने सारे बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फ्रेंड से लोन लेना है या फैमिली से लोन लेना है किस तरीके से हम वो हम फंड्स लेके सबसे सस्ते रेट पे फंड्स लेके वी कैन स्टार्ट दी बिजनेस और जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेने हैं शॉर्ट टर्म के लिए लेने हैं दोज ऑल डिसीजन आर टेकन इन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डिविडेंट डिसीजन सो डिविडेंट मैंने क्या बताया था कि जो भी हमने बिजनेस से प्रॉफिट्स अर्न करे हैं सो प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद बिजनेस के पास जब कुछ पैसे आए हैं तो इट्स अप टू अर्थ वेदर वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट As dividend among shareholders or we want to keep this amount as I'll just write we want to keep this amount as retained earnings woham amount upne pass in form of retained earning रखना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंट डिसीजन तो ये भी एक बार सारा पढ़ लेना तुम्हें समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है ठीक है अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रोल्स अब बेसिकली फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा दो अदर रोल्स भी होते हैं जिससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सेम ही है सो दी अदर टू रोल्स आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हालांकि बच्चे देख के बोलेंगे सर ये तो हमारा सब्जेक्ट था एफ टू ये हमारा सब्जेक्ट था एफ थ्री और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं एफ सेवन सो हमें तो पता ही है सर कि ये टोटली डिफरेंट है तो वैसे सब्जेक्ट वाइज हमें पता है डिफरेंट है अगर तुम थोड़ा और डीपली भी जाओ तो एफ थ्री यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुमने क्या पढ़ा था हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे हम क्या करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे बुक्स बनाते थे बुक्स बना के रेशोस निकालते थे कंपैरिजन करते थे हिस्टोरिकल चीजें निकालते थे वो सारा था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम ऐसी अकाउंटिंग नहीं करते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वी यूज टू सी कि हमारा स्टॉक का लेवल क्या है हमारे स्टॉक की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए स्टॉक की मार्केट में किस रेट पे सेल करनी है तो बेसिकली जो कॉस्टिंग पार्ट सारा था दैट वाज डिस्कस इन दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ताकि डे टू डे एक्टिविटी में जो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है परचेजिंग कॉस्ट वगैरह वो कम हो जाए और हमारे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े तो अल्टीमेट टारगेट तो है प्रॉफिट कमाना लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक्स बनाना और हिस्टोरिकल फिगर्स निकालना फ्यूचर की फिगर्स एनालाइज़ करना प्लानिंग करना आगे के लिए तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स टू टेक केयर ऑफ़ डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस जो वर्किंग होती है हमारी है ना हमने यही पढ़ा था कि हमारा जो डे टू डे भी स्टॉक आएगा इन्वेंट्री होल्डिंग वेरियंसिस ये सब निकालना तो वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना फाइनेंसिंग डिसीजन करना और डिविडेंट डिसीजन करना इसका इससे कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई रोल नहीं है ये बुक्स बनाने को नहीं बोल रहा इसका काम सिर्फ है ये तीनों चीजें देखना सो दीज थ्री थिंग्स आर टोटली डिफरेंट सो बढ़ते हैं हम आगे अब आता है फाइनेंशियल रूल्स अब फाइनेंशियल रूल्स क्या है गाइस ये ध्यान से देखना सो फाइनेंशियल रूल्स का मतलब ये क्या बता रहे हैं? है हमें बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पर्सन का क्या काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का क्या काम होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का क्या काम होता है तो टेक्निकली तो मैंने तुम्हें इनका क्रक्स बता दिया बट स्टिल मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्ड विद लॉन्ग टर्म रेजिंग फाइनेंस एंड द एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सिस इट इन्वॉल्व टारगेट्स ऑब्जेक्टिव दैट आर जर्नली लॉन्ग टर्म बाय नेचर वाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजली ऑपरेट्स विद इन अ ट्वेल्व मंथ टाइम हॉरिजोन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है डे टू डे एक्टिविटी के लिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने पिछले पिछले सालों का अगले दस सालों का रिकॉर्ड नहीं देखते वो मैक्सिमम ट्वेल्व मंथ के लिए होती है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से रेस करना है ठीक है वो जो फाइनेंस आया है पैसा हमारे पास आया उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है फिर जो हमने प्रॉफिट अर्न किया वो बांटना है कि नहीं बांटना दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मोर डे टू डे फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग दिस विल इन्वॉल्व इन बजटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ध्यान in से सुनना फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डायरेक्टली इनवॉल्व इन डे टू डे प्लानिंग अकाउंटिंग डे टू डे प्लानिंग से इन्वॉल्व नहीं होती कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ दर्गेनाइजेशन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लानिंग से कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग से कोई रोल नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि हमने सिर्फ बुक्स बनाई हैं रेशोस निकाली हैं और कंपेयर किया है कोई डिसीजन नहीं होता कोई जजमेंट नहीं होता तो रादर इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल रिजल्ट ऑफ पास प्लान एंड डिसीजन इट पर्पज इज टू कीप दोनर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इंफॉर्म्ड ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल इंफॉर्मेशन यूज इंटरनली बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कि हम बुक्स बनाते हैं बुक्स बनाने के बाद हम जिस भी यूजर को वो बुक चाहिए होता है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट्स इट हमारे को कोई डिसीजन नहीं लेना कुछ नहीं करना एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है ही इज ओनली कंसर्न विद प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अकाउंटिंग वो बैलेंस शीट बनाई प्रॉफिट एंड लॉस बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया अकाउंटिंग रेशोज़ करी हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के हमने कम्पेरेटिव निकाल लिया कि इतने परसेंट राइज हुआ इतने परसेंट राइज हुआ करा और ये पकड़ा दिया बस और कोई रोल नहीं है हम कोई डिसीजन नहीं लेते सो दिस इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब इन चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ लेट्स रिव्यू दिस सो हमें बताने इसमें से कौन सी चीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी

ग्रो करना है फ्यूचर में तो उसके लिए प्रपोजल रखना कि हमें कहाँ कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कहाँ कहाँ से लोन लेना है सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपोर्शनिंग ओवर हेड टू कॉस्ट यूनिट अपोशनमेंट ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ तो डे टू डे एक्टिविटी में होता है ना सो तो ये पढ़ा भी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग आइडेंटिफाइंग अप्रूवल एंड प्री पेमेंट अप्रूवल प्रीपेमेंट तो चार्टर था पूरा हमारा कहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब नेक्स्ट आता है हमारा ओवरऑल द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो एक बार ये पढ़ते हैं अब गैस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिवस एंड अब ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्राटेजी बेसिकली क्या होते हैं लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी आर टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली जो चार्ट है चार्ट हमें क्या बताएगा कि हमारी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजर या एक कंपनी के अंदर कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक होता है हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और एक होती है हमारी स्ट्रैटेजी सो दीज थ्री आर दी ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये दो ही होते हैं ये स्ट्रैटेजी अलग चलती है ठीक है अब उसके बाद अब तीन हमारे बिजनेस के लेवल होते हैं एक होता है कॉरपोरेट लेवल दैट इज़ टॉप लेवल एक होता है बिजनेस लेवल दैट इज मिडल लेवल और एक होता है ऑपरेशनल दैट इज लोअर और डे टू डे इसको लोअर नहीं बोलते लोअर अच्छा नहीं लगता दैट इज डे टू डे लेवल तो चार्ट हमें क्या बता रहा है कि हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या चीज कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूं हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं एक होते हैं कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अब कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव हम ये सोचते हैं जैसे कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल देते हैं टॉप लेवल वाले सोच रहे हैं कि हमें नई मार्केट में एक्सपैंड करना है ठीक है टॉप लेवल क्या सोच रहे हैं हमें नई मार्केट में एक्सपैंड करना है दैट इज कॉमर्शियल स्ट्रैटेजी वो कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं कि हमें बिजनेस कितना ग्रो करना है ठीक है मिडिल लेवल वाले कॉमर्शियली क्या सोचेंगे कि हमें नया एक्वायर एसेट परचेज करना है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करेगा हमें नया एसेट एक्वायर करना है दैट इज़ एक तरह से सीधा डिसीजन लेना या डिसीजन लेना नहीं मैं बोलूंगा कि ये सोचना कॉमर्शियल इज लाइक थिंकिंग थिंकिंग लेवल कि ये सोचना कि हमें क्या क्या करना है दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्शियल लेवल टॉप लेवल वाले सोचेंगे हमें नई मार्केट में एक्सपैंड करना है मिडिल वाले सोचेंगे कि हमें नया एसेट एक्वायर करना है और लोअ लेवल वाले सोच सकते हैं कि हमें लिक्विडिटी बिजनेस की मेंटेन रखनी है कि हमें इतना कैश मेंटेन रखना है कि ऑन द स्पॉट अगर देना पड़े तो हम दे सकें दैट इज़ लाइक थिंकिंग बिजनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं अब कॉमर्शियल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब फाइनेंशियल क्या बोलते हैं कि जो हमने सोचा था उससे फाइनेंशियली हमें क्या फायदा होगा या फाइनेंशियली हम उसमें क्या इनपुट दे सकते हैं जैसे उन्होंने सोचा था कि हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है ठीक है इन्होंने सोचा था टॉप लेवल वालों ने कि बिजनेस एक्सपैंड करना है तो अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो फाइनेंशियल तो वाले सोचेंगे कि आर क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा अर्निंग पर शेयर कितना होगा शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए सो so प्राइसिंग के अंदर दे विल थिंक दे विल डिसाइड या दे विल थिंक कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए किस अगर इतना अर्निंग पर शेयर है उस कंपनी का इतना उस रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड होगा तभी हम उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे दैट इज फाइनेंशियल देन आता है प्रोजेक्ट रिटर्न्स मिडिल लेवल वाले सोच रहे हैं कि एक नए एसेट में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस एसेट से हमें कितना रिटर्न मिलेगा अगर हम एक नया प्लांट परचेज कर रहे हैं तो उस प्लांट से हमें कितना रिटर्न आएगा दैट इज फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डे टू डे वाले क्या बोल रहे थे उन्होंने क्या बोला था कि हमें लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है तो इसका मतलब वो ये देखेंगे फाइनेंशियल वाले पैसों की सेंस में कि कितना कैश लेवल हमें मेंटेन रखना है रिसिवेबल डेज क्या होने चाहिए तो बहुत सारे बच्चे जो एफ पढ़ रहे हैं दे मस्ट हैव स्टडीड एफ थ्री एफ थ्री तो सभी ने करा होगा अगर एग्जामेशन ली है तो एफ़ सेवन करा होगा तो या एफ फ़ाइव पढ़ा होगा या एफ़ टू पढ़ा होगा तो इन सारे चैप्टर्स में हमारा एक चैप्टर आता था अकाउंटिंग रेशोज़ रेशोज़ के अंदर हमारा होता था रिसिवेबल डेज रिसिवेबल डेज मीन्स कि रिसिवेबल से ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमें पैसे आ जाते हैं तो अगर हमें लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रिसीवेबल डेज कितने हैं अगर हमारे रिसिवेबल डेज ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें रिसीवेबल्स को कॉल करके उनको धमका के उनसे पैसे निकलवाने पड़ेंगे बट हमें अपनी डेज मेंटेन रखने हैं तो कॉमर्शियल वाले सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है फाइनेंशियल वाले सोचते हैं कि फाइनेंशियली उस चीज़ से हमें क्या बेनिफिट होगा और स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि अब हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं जो हमने सोचा था फाइनेंशियली भी हमने देख लिया अब उसको हम कैसे कर सकते हैं कि क्या ये एक्सपैंड हम ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली मतलब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि मैंने किसी टीचर को एक्वायर किया है या मैं Uh, बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ फेक एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है ऑर्गेनिकली मतलब कि जो जो बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं धीरे धीरे उनको पसंद आ रहा है वो पास हो रहे हैं वो आगे प्रमोट कर रहे हैं जो आगे देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है वो आगे प्रमोट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिकली सो बिज़नेस में ऑर्गेनिकली क्या होता है कि हमने बिजनेस में मेहनत करी प्रॉफिट कमाए ज़्यादा प्रॉफिट कमाए वो पैसे अपने पास रख के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बिज़नेस को ग्रो किया देन ऐसे ग्रो किया देन ऐसे ग्रो किया दैट इज़ ऑर्गेनिकली दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है एक्विजिशन कि हमने क्या किया हमने अपना बिजनेस छोटा सा था एक दूसरे छोटे बिजनेस को एक्वायर करके अपना बिजनेस बड़ा बना लिया फिर किसी और को एक्वायर करके और बड़ा बना लिया फिर किसी और को एक्वायर करके और बड़ा बना लिया दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन अब अगर टॉप लेवल वाले ये सोच रहे हैं कि हमें एक्सपैंड करना है तो किस स्ट्रैटी से वो एक्सपैंड करेंगे ऑर्गेनिकली या एक्विजिशन करके सो दिस इज हमारी स्ट्रैटेजी देन आता है मिडिल लेवल वाले मिडिल लेवल वालों ने बोला था कि हम एक नया एसेट एक्वायर कर रहे हैं ठीक है फाइनेंशियल वालों ने बोला कि नया एसेट जो अब एक्वायर करोगे हम ये देखते हैं कि उससे कितना रिटर्न आएगा हाँ ठीक है ये एसेट जो है जो हम परचेज कर रहे हैं इससे हमारी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी प्रॉफिट बढ़ जाएगी तो अब वो एसेट हम लीज पे लें या फिर हम उसको बाय करें लीज एक तरह से कि मतलब ये है कि हम उसको रेंट पर लें एसेट को जब कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं रेंट पर लेते हैं तो एक तरह से उसको लीज बोला जाता है बिजनेस के लिए ठीक है तो लीज इज लाइक समथिंग दैट वी बाय फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एट अ फिक्स प्राइस कि दस साल की लीज होगी पंद्रह साल की लीज होगी रेंट तो हमारा क्या होता है आज रेंट पे किया दो महीने बाद छोड़ दिया बट लीज मीन्स दस साल के लिए प्रॉपर्टी आपकी दैट इज लीज सबको बताइए होगा ये चीज़ हो तो लीज पे लेनी है बाय करनी है अब ऑपरेशनल लेवल पर हमने सोचा था कि लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है उसके लिए हमने ये देखा था कि हमारा कैश लेवल कितना होना चाहिए और रिसिवेबल लेवल कितना होना चाहिए अब उस चीज़ के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी करेंगे कि हम कैश सेल कम कर दे क्रेडिट सेल कम कर देते हैं हम कैश सेल ज़्यादा करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर देते हैं मतलब हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ताकि हमारे कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो तो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव मतलब इसको मैं अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूँ दैट इज अ प्लेन थिंकिंग कि हमें क्या करना है फाइनेंशियल मीन्स कि फाइनेंशियली हम डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ फीजिबल है या नहीं फीजिबल और हमें क्या क्या करना पड़ेगा फाइनेंशियली मॉनिटरी टर्म्स पैसों के अंदर और स्ट्रैटेजिकली हम ये देखेंगे कि वो चीज कैसे करेंगे हाउ विल वी डू इट वॉट प्लान वी विल फॉलो ताकि वो चीज अचीव हो ठीक है so सो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल और एक होता है स्ट्रैटेजी और ये होते हैं तीन लेवल हमारे कॉरपोरेट बिजनेस एंड ऑपरेशनल लेवल तो एक बार इसको पढ़ लेना जस्ट गिव दिस अ प्लेन रीड ठीक है यहाँ पॉज करके यू कैन जस्ट रीड और यू मस्ट बी हैविंग योर बुक तो वहाँ से तुम इसको पढ़ सकते हो ये सारा तुम्हें वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा बिल्कुल प्लेन रीड करना है कुछ भी ऐसे रट्टा नहीं मारना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं जितने भी बच्चे ए क्लियर करते हैं सब्जेक्ट्स मेरी उनसे जो भी बात हुई है सारे बच्चों ने ये बोला है कि ऑल यू नीड टू क्लियर इज योर कॉन्सेप्ट सब ने बोला है कि तुम्हें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं लॉजिक्स क्लियर करने हैं रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का रट्टा क्रैमिंग नहीं करनी जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी ठीक है अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास <coughs> इसमें दिया हुआ है हमारे को द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन सम कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव टारगेट सम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टारगेट सम स्ट्रैटेजीज एट ईच लेवल ऑफ बिजनेस कौन सा टॉप लेवल मिडिल लेवल यानी कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल एंड ऑपरेशन लेवल प्लेस वन इन ईच बॉक्स ऑफ द टेबल एज ए प्रॉपरेटर ओके चलो ये काम भी करते हैं अब देखो गैस अब हमारे पास वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चीज़ें दी हैं यहाँ नाइन बॉक्सेज हैं दैट मीन्स मुझे तो ये लग रहा है कि इन्ही नाइन में नाइन चीज़ें आएँगी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी यहाँ एक चीज़ें आएँगी जो मुझे लग रहा है ठीक है बट फिर भी हम एक काम करते हैं इसको करने का तरीका क्या है मैं अभी यहाँ नहीं लिखता आई एल एक्सप्लेन दिस देखो सबसे पहले मैंने बताया था स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्या होती है स्ट्रैटेजी मीन वो काम कर हम क्या कर रहे हैं अब हाउ वी आर डूइंग टू अचीव दो हम एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड तो सबसे पहले हम इसमें से स्ट्रैटेजीज अपनी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी देखने के बाद हम ये देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी टॉप लेवल वाले बनाएंगे मिडिल वाले बनाएंगे या लोअर वाले बनाएंगे लेट स्टार्ट इंप्लीमेंट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम कि हमने इंप्लीमेंट किया जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम दैट मीन हमने काम किया तो ये स्ट्रैटेजी है अब मतलब कि मतलब लेवल so तो जस्ट इन टाइम ऑपरेशनल लेवल तो जैसे मैं इसका नंबर दे देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वन मेरा आ जाएगा स्ट्रेटेजी के अंदर कहां पे ऑपरेशनल लेवल ठीक है गाइस सबको समझ आया तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी क्या है कि हमने इंप्लीमेंट किया जस्ट इन टाइम सेकेंड हमारा है इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर बाय फाइव परसेंट ऑन प्रायरिटी ईयर कि हमने प्रीवियस ईयर से इस साल अपनी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करी है सो अर्निंग पर शेयर सबसे पहली बार जो हमने इंक्रीज किया, terms, तो किया है दिस इज इन मॉनिट्री टर्म्स पैसा अर्निंग्स पर शेयर दीज आर नॉट वेग लाइन ये तो अर्निंग पर शेयर किसल किया दिस इज नॉट अ स्ट्रेटी हमने काम नहीं किया ये तो बता रहे हैं कि दिस इज वॉट वी हैव डन सो दैट मीन्स दिस इज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारा है सो दिस इज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और ये कौन सा लेवल बनाएगा अर्निंग पर शेयर हमने अभी पढ़ा था दिस इज डन बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट कि पूरे बिजनेस ने पूरा साल कितने पैसे अर्न करे हैं दिज आर नॉट डन बाय मिडल लेवल मिडिल लेवल वालों का काम किया होता है अच्छा मैंने आई थिंक तुम्हें एक चीज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करी कॉरपोरेट लेवल मिडल लेवल एंड लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल अभी बताया हूं सॉरी गाइस मैं मिस हो जाते कभी के सो कॉर्पोरेट लेवल मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट हु टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन फॉर द बिजनेस के बिजनेस एक्वायर करना है बिजनेस ग्रो करना है ये करना है सो लॉन्ग टर्म डिसीजन वो बिजनेस के लिए लेते हैं दे डोंट डू डे टू डे वर्किंग मिडिल लेवल जो होता है दैट इज बिजनेस लेवल ये क्या करते हैं ये बिजनेस के अंदर के डिसीजन लेते हैं कि अगले साल अगर हमें इतनी ग्रोथ करनी है तो हमें इस साल क्या करना पड़ेगा नया एसेट एक्वायर करना है जिससे मतलब ये जो प्लानिंग करते हैं ये करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग करते हैं हमारी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म कि अगले साल अगर हमें ग्रोथ करनी है तो बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कौन कौन सी मशीनरी लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने इस साल के टारगेट्स अचीव कर सके तो जो इन्होंने टारगेट बनाए हुए हैं कि इस साल आपको इतनी सेल करनी है तो वो टारगेट कैसे अचीव हो सको वो ये करेंगे अब ये इन्होंने बना दिया कि हमें नई मशीन लेनी है सब कुछ करना है ऑपरेशनल लेवल में वो लोअर लेवल के लोग आते हैं डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल काम करते हैं डे टू डे वर्किंग देखते हैं कि आज हमने स्टॉक परचेज किया एकदम से स्टॉक परचेज नहीं करना हमारा जो डेटर्स हैं 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 रिसीवेबल्स उनको टाइम पे पे करना है सो so बेसिकली ये देखते हैं काम डे टू डे एक्टिविटी का तो दीज आर कॉर्पोरेट लेवल दीज आर बिजनेस लेवल एंड दीज आर ऑपरेशनल लेवल तो वैसे तो सबको पता ही होगा सबने पढ़ा हुआ है बट स्टिल आई हैड टू क्लियर दिस तो अर्निंग पर शेयर जो काम होता है ये होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन ये होता है हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सॉरी और ये डिसीजन कौन लेता है कि ये लेते हैं हमारे लॉन्ग टर्म के बंदे लॉन्ग टर्म के बंदे मतलब ये होते हैं हमारा कॉरपोरेट लेवल सो कॉरपोरेट लेवल वाले हमारा कॉरपोरेट लेवल वाले फाइनेंशियल स्ट्रेटजी तो टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे अ राइवल इन शेयर फॉर शेयर परचेज हमने एक राइवल को एक्वायर किया तो दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रैटेजी राइवल को एक्वायर किया तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी और राइवल को अगर हमने एक्वायर किया है सो वो हम किस लिए कर रहे हैं राइवल को कौन एक्वायर करेगा मिडिल वाला थोड़ी कर सकते हैं लोअर वाला थोड़ी कर सकता है इट कैन बी एक्वायर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं तो दिस इज स्ट्रैटेजी एंड या एक काम करता हूँ यहां भी क्या लिखना सो so थर्ड को मैं सीधा लिख देता हूँ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी थ्री आ गया यहाँ पर फोर्थ बाय फोर न्यू कटिंग मशीन फॉर टू लाख फिफ्टी इच हमने कटिंग मशीन परचेज करी है दैट मीनस दिस इज अ स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी में अब कटिंग मशीन हमने परचेस की है ना तो ये टॉप लेवल के बंदे करेंगे उनको डेली के लिए उनको मशीन थोड़ी परचेस करनी है वो तो बिजनेस की लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट सोचेंगे कि हमें बिजनेस को एक्वायर करने नहीं करना अगले साल कितनी डबल डबल सेल्स करनी है कैसे ग्रो करना है वो सोचेंगे थोड़ा सोचेंगे ये मशीन परचेज करनी है वो तो इनका काम है उन्होंने बोला कि हमें ग्रो करना है इनका काम है बिजनेस लेवल वालों का सोचना कि ग्रो कैसे करें मशीन परचेज करें या नई लैंड परचेज करें वो चीज़ तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी तो फोर हमारा आ जाएगा यहां पे अचीव रिजल्टीन परसेंट ऑन न्यू मैनुफेक्चरिंग इन्वेस्टमेंट हमने जो न्यू मैनुफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करी है उसमें रिजल्ट रिजल्ट अचीव करने है. So, result अचीव करना करना है है सो दैट फाइनेंशियल और न्यू मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग लॉन्ग टर्म ये बेसिकली एक मिडिल टर्म वाले का काम है बिजनेस लेवल वालों का काम है जो ये देखेंगे कि हमने एक मशीन लगाई थी उस मशीन पे 15 परसेंट रिटर्न आ रहा है तो फाइव आ जाएगा हमारा यहाँ पे कि एक तो हमारा फाइनेंशियल है ये फाइनेंसियल रिलेटेड एंड दिस इज डन बाय बिजनेस लेवल इंप्रूव द रेश इंप्रूव द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी फ्रॉम 1.7 टू 1.85 हमने अपनी करंट ये करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी मींस करंट रेशियो ये सभी को पता होगा गाइस तुम सब इतने समझदार हो हमें बोला गया कि करंट रेशियो बढ़ानी है वेगलाइन बोलिए सीधा बोला करंट रेशियो बढ़ानी है किन का काम होता है ये कॉमर्शियल वालों का तो दिस इज कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव एंड करंट रेशियो बढ़ाना मतलब डे टू डे वर्किंग तो दिस इज डन बाय ऑपरेशनल लेवल तो सिक्स हमारा आ जाएगा यहां पे ठीक है ओ सॉरी 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 मैं कॉमर्शियल बोल गया इंप्रूव करंट रेशियो यहां पे स्पेसिफिक बताया हुआ है कि हमें 1.7 से 1 1.85 पॉइंट है दैट मींस फिगर्स में बात आ गई है वेग लाइन नहीं है एग्जैक्ट फिगर्स में बात आई है सो दिस विल बी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और ये आ जाएगा सिक्स हमारा यहां पे अगर ये बोलते कि रेशो बढ़ानी है हमें अगर ये सॉरी रेशो बढ़ाना भी ना बोलते ये बोलते कि हमें अपनी लिक्विडिटी ठीक करनी है मतलब करंट रेशो एक तरह से लिक्विडिटी ठीक करनी है तो हम उसको कॉमर्शियल में बताते यहाँ स्पेसिफिक बताया हुआ है कि करंट रेशो हमें इतने से इतनी करनी है सो इट विल बी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव रिड्यूस अनसोल्ड इन्वेंट्री आइटम बाय 12 परसेंट अब ये हमारा एक तरह से वेग लाइन है कि फालतू की इन्वेंट्री हमें कम रखनी है 12 परसेंट से कम रखनी है ठीक है फालतू की इन्वेंट्री हमें ट्वेल्व परसेंट से कम रखनी है इसका फाइनेंस से तो कोई रिलेशन नहीं है पैसों से तो कोई रिलेशन नहीं है हमें बस ये 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 है कि स्टॉक कम रखना है। तो दिस इज इज अ डिसीजन प्लेन लाइन दैट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेंट्री वगैरह ये सब कौन देखता है हमारा ऑपरेशनल लेवल वाले डे टू डे वाले तो सेवन हमारा आ जाएगा यहां अपडेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी में पैसे लगाने हैं ताकि अपनी मैनुफैक्चरिंग अपग्रेड हो जाए तो ये हमारा एक सिंपल लाइन है कोई फाइनेंसिय रिलेटेड नहीं है तो ये कॉमर्शल ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज डन बाय बिजनेस लेवल क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है ये तो जो टारगेट्स अचीव करने हैं उसके लिए है कि अपनी मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा दो इंप्रूव ब्रांड अवेयरनेस विद इन द यू के हमें अपनी कंपनी का ब्रांड बढ़ाना है ये क्या लोअर वाले बोलेंगे ये क्या बिजनेस वाले बोलेंगे नहीं ब्रांड के बारे में बोलते हैं टॉप लेवल वाले क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट द ब्रांड एंड मतलब कंसर्न ऑफ ऑफकोर्स सारे ही होते हैं लेकिन दे आर मोर कंसर्न कि हमें बिजनेस ग्रो करना ये उनका काम है एंड ये एक नॉर्मल लाइन है नॉर्मल डिसीजन है नॉर्मल थिंकिंग है सो इट इज कॉमर्शियल सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइन सो दिस इज चार्ट दॉ इट शुड बी एंड आंसर में आई थिंक चेक करना तुम्हें यही दिखेगा ठीक है तो दिस इज हमारा ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड थ्री डिफरेंट लेवल्स अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है दैट इज दो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारा जो एक हर फाइनेंशियल मैनेजर जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसका मेन काम क्या है सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत होगी फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम क्या है दैट इज हमने जो भी पढ़ा था लेकिन वो ये सब क्यों करता है वो ये करता है अपने कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव करने के लिए और सारी बातों की एक बात हमारा एक ही मेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है सॉरी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यही हमारा एक प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का जो भी पर्सन हमने हायर किया है फाइनेंस मैनेज करने के लिए उसका मेन मोटो होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो अब वेल्थ मैक्सिमाइज होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं ऐसा नहीं है प्रॉफिट्स आर नॉट द प्राइमरी थिंग उसका यह काम है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी कंपनी के प्रॉफिट भी होने चाहिए हमेशा प्रॉफिट भी होने चाहिए हमारी कंपनी की ग्रोथ भी होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है बहुत सारी कंपनी लॉसेस में होती हैं तब भी उनकी ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए हमारा मार्केट शेयर और वी कॉल इट शेयर प्राइस हमारी कंपनी का शेयर प्राइस भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर जो हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करें अगर उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ गया देन ऑल्सो दे विल बी हैप्पी कि अगर इन केस दे नीड टू सेल दी शेयर तो उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा अब कंपनी के प्रॉफिट है नहीं है दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट उनको शेयर प्राइस से मतलब है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही है क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगी तभी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे तभी कंपनी की उस एरिया में ग्रोथ होगी और तभी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ही नहीं कर रहे आप इन्वायरमेंट डैमेज कर रहे हो वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो लोग तुम्हें उस एरिया में जीने नहीं देंगे तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और ऑफकोर्स बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हमारी एक तरह से कंपनी की होती है बट मेन जो हमारा होता है मेन फंडा दैट इज़ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट इज़ द प्राइमरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब यहां पे इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात एक्सप्लेन की है ऑफ़ कोर्स ये डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियर हो जाएगा शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो शेयर होल्डर का जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि शेयर होल्डर की वेल्थ का बढ़ना डज नॉट कि प्रॉफिट हमें बढ़ाना है इट इज जस्ट अ पार्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है क्या देखो टेस्लाज शेयर प्राइस ग्री फ्रॉम एन एवरेज ऑफ फोर पॉइंट सिक्स सेवन डॉलर इन 2010 to $63.4 टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फोर डॉलर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एट विदाउट रिकॉर्डिंग एनुअल ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब इतने सालों में 2010 से लेके 2018 तक टेस्ला के सिर्फ लॉसेस हुए हैं प्रॉफिट नहीं हुए कुछ कमाया नहीं है उन्होंने नुकसान ही हुआ है उनका स्टिल शेयर का प्राइस जो हमारा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया हमारा शेयर का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है सो वॉट डज दिस मीन कि जो शेयर होल्डर हैं दे आर हैप्पी कि अगर मैंने कोई शेयर 4.67 पॉइंट डॉलर का लिया था 2010 में और 2018 तक अगर वो शेयर मेरे पास है तो तुम देखो दिस इज मोर देन मतलब फोर फोर ट्वेल्व फोर्टी एट फोर्टीन फिफ्टीन से भी ज़्यादा शेयर हो गया उसका मतलब 15 टाइम से भी ज़्यादा उसके शेयर की वैल्यू होगी है अगर मैंने ये पैसे लेट्स से हंड्रेड डॉलर मैंने बैंक में इन्वेस्ट करे होते तो हर साल अगर मुझे मान लो टेन परसेंट रिटर्न भी आ रहा है तो जनरली ऑन एन एवरेज दस साल के अंदर मेरा ये हंड्रेड के टू हंड्रेड होते वैसे बता रहा हूँ मैं कंपाउंडिंग वगैरह वाला लेकिन नहीं चल रहा सिंपल बता रहा हूँ कि अगर हर साल मुझे फिक्स रेट टेन मिलता है तो मेरा टू हंड्रेड वैल्यू होती टू हंड्रेड नहीं चलो टू हो जाती अगर कंपाउंडिंग लेकर चलते हो लेकिन अगर तुम यहाँ देखो मेरा तो हंड्रेड रुपीज का फिफ्टीन टाइम्स फिफ्टीन हंड्रेड मुझे मिल रहा है तो शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी ज्यादा बढ़ गई यहां पे है ना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द प्राइमरी टारगेट प्राइमरी टारगेट है शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना अब तुम यहां पे जब ये चीज पढ़ोगे दे आर नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम वाई अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब कई लोग कई जो फाइनेंशियल मैनेजर है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं कि हमें तो प्रॉफिट अगर बढ़ जाए बस तो शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी सो लॉन्ग रन वर्सेज शॉर्ट रन इश्यूज इन एनी बिजनेस इट इज पॉसिबल टू बूस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एट अ एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग एडवर्टाइजिंग मेंटेनेंस रिसर्च डिवेलपमेंट में बी कट हमने ना ट्रेनिंग दी इंप्लॉइज को एक साल के लिए ना ट्रेनिंग दी ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करी ना मेंटेनेंस करी कुछ भी नहीं करा हमने सब कुछ छोड़ दिया ठीक है तो हमारा ऑफकॉर्स खर्चा सारा खत्म हो गया प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन अगर हमने एडवर्टीजमेंट कम कर दी दैट मीनस अगले सालों में हमारा स्टॉक ज्यादा नहीं बिकेगा क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट ही नहीं करी लोगों को पता ही नहीं अगर तुम सबने एक चीज नोटिस की हो एक चीज नोटिस की हो पेप्सी और कोक पहले आज से पांच छह साल पहले तक पेप्सी और कोक की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आती थी पेप्सी की भी कोक की, की बहुत ज्यादा आती थी लेकिन आजकल अगर तुम टीवी में देखो तो आई डोंट थिंक कि उनकी बहुत ज्यादा एड्स आती है इतनी एड नहीं आती पहले तो हर दूसरी तीसरी एड पेप्सी या कोक की होती थी अब ज्यादा नहीं होती उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है इस चीज़ में उस इससे देखो फर्क क्या पड़ गया तुमने देखे इससे फर्क क्या पड़ गया अब लोग पेप्सी और कोक जब मार्केट में जाते हैं यू नॉर्मली डोंट प्रेफर टू बाय पेप्सी और कोक जब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट कट किए कितने सारे नए नए ब्रांड्स आ गए स्टिंग आ गया रेड बुल आ गया और तुम्हारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए कितने सारे ऐसे आ गए और वो कितने बढ़ते चले जा रहे हैं लोग अब मार्केट में कोई भी जाता है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पेप्सी कोक लेना नहीं होता वो कह रहे चलो यार स्टिंग ले लो चलो रेड बुल ले लो चलो रेड बुल नहीं स्टिंग नहीं लेना तो कोई एनर्जी ड्रिंक क्या है बोलो चलो कोकोनट वाटर ले लो ये ले लो है ना तो उनको ये समझ आ गया था कि एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च के कोई फायदा नहीं है बट मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि एडवर्टीजमेंट ना करने की वजह से हो सकता है दिस इज नॉट हंड्रेड परसेंट राइट बट हो सकता है कि उनके भी नुकसान ये उस तभी नुकसान हुए क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट कम कर दी थी सो दिस इज लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म इशूज इफ यू जस्ट थिंक ऑफ योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग और रिस्क ऑफ अर्निंग कई बार बिजनेस में इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय टेकिंग हाई लेवल ऑफ रिस्क तुमने बहुत ज्यादा रिस्क लेके प्रॉफिट कमाया बट अगर तुमने रिस्क ज़्यादा लिया है प्रॉफिट ज्यादा हुआ है हो सकता है अगले सालों में तुम्हारे को ये चीज इश्यू क्रिएट हो तुम्हारे को इस चीज का इश्यू क्रिएट हो ठीक है जैसे द स्टॉक एक्सचेंज देन जनरली रिगार्डेड अर्निंग एज बींग पुअर क्वालिटी एंड मोर रिस्क एडवर्स शेयर होल्डर में सेल वंस अगेन शेयर प्राइस कुड फॉल तो बेसिकली क्या बता रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बहुत ज्यादा रिस्क लेके एक साल बहुत प्रॉफिट कमाया ठीक है तो जो तुम्हारा शेयर है शेयर का जहां पे लिस्ट होता है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे लिखा होगा कि इस शेयर ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है बट ये शेयर रिस्की में है इसने बहुत रिस्की ऑपरेशंस करे हुए हैं कि कल को पंगा पड़ गया तो फंस जाएंगे तो पीपल विल नॉट बाय दिस शेयर कि भाई ये रिस्की है गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी दे आर प्लेइंग विद बहुत सारी चीजें कुछ उल्टी सीधी कर रहे हैं वो तो उस केस में क्या होगा पीपल विल सेल द शेयर और शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एक साल के लिए तो बढ़ जाएगा लेकिन बाद में कम हो जाएगा ठीक है थर्ड होता है कैश अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कई लोग बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है वो क्या बोलेंगे वी हैव टू अर्न लॉड ऑफ प्रॉफिट लेकिन प्रॉफिट का कैश से कोई भी रिलेशन एज सच नहीं होता इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर हमारे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं इट डज नॉट मीन्स कि हमारे पास कैश भी बहुत ज्यादा आ रहा है ये सब मैंने तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर F3 में और इनफैक्ट F7 में भी बताया था और अगर नहीं पढ़ा तो वैसे एक हिंट दे देता हूं अगर मान लो तुम सारी की सारी क्रेडिट सेल कर रहे हो ध्यान से सुनना तुमने सारी क्रेडिट सेल करी है उधारी पे सेल करी है तो दैट मीन्स तुम्हारे बिजनेस में कोई भी कैश नहीं आया क्योंकि अगर सारी क्रेडिट सेल करे कोई कैश नहीं आया लेकिन तुमने तुमने परचेज जो करी थी परचेज के लिए तुमने कैश दिया सैलरीज कैश में दी रेंट कैश में दिया तो तुमने क्रेडिट सेल करी है और क्रेडिट सेल सेल माइनस ऑल एक्सपेंसेस तुम्हारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ रहे हैं प्रॉफिट्स तो तुम्हारे को बुक्स में दिख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब कैश के बारे में बात करी तो तुमने तो क्रेडिट सेल करी थी कैश तो आया नहीं लेकिन खर्चे सारे कैश में करें तो हमारा कैश जो है वो नेगेटिव में चला गया तो वो भी देखना पड़ता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हमने कैश ही खत्म कर दिया अपना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज टोटली डिफरेंट हमारे को शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखनी चाहिए ठीक है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखने का जो मेन तरीका होता है दैट इज अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस के एक शेयर होल्डर पर शेयर कितने पैसे अर्न कर रहा है दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर क्योंकि मान लो इस केस में कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए ध्यान से सुनना कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए ठीक है कैश तो कंपनी के पास आया नहीं तो क्या कंपनी ये प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है नहीं क्यों क्योंकि डिविडेंड तो शेयर होल्डर को कैश में देना पड़ेगा लेकिन जब वो चेक करेंगे यार कैश तो है ही नहीं कंपनी में हमने तो सारी क्रेडिट सेल करी है कैश कहा से दे शेयर होल्डर बोलेंगे भाई प्रॉफिट कमाया है, हमें इसमें से डिविडेंड दो वो बोलेंगे सर प्रॉफिट तो कमाया लेकिन कैश कुछ नहीं आया तो so, इसका मतलब क्या है वॉट डिज दिस मीन कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैश नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर एक कंपनी Earning per share, के इतने पैसे पर शेयर शेयर होल्डर को एज डिडेंट सो दाइक गुड नॉट हंड्रेड परसेंट नॉट्रेड परसेंट पॉइंट इज अर्निंग पर शेयर कैन बी अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बट नॉट हंड्रेड परसेंट दिस इज ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अंड्रेड परसेंट वे टू फाइंड आउट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मैंने पहले आई थिंक थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अर्निंग पर शेयर इज इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट बट नॉट हंड्रेड परसेंट जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर कंपनी के देखो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लॉजिक की बात है अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर यही फॉर्मला होता है अर्निंग पर शेयर का तो टेक्निकली अगर हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा होगा लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो सेम वे अर्निंग पर शेयर के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है सेम चीज बताइए तो जस्ट गिव इट इट अ प्लेन रीड यू विल अंडरस्टैंड ठीक है है अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती मैक्सिमाइजिंग एंड सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग एंड सेटिस्फाइजिंग और सेटिस्फैक्शन तो डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन मैक्सिमाइजिंग एंड सेटिस्फैक्शन सो किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना मतलब जैसे अगर मैं मैक्सिमाइज की बात करूं कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ जैसे एक सिंपल सी बात लेते हैं देखो सिंपल सी बात एक पिज्ज़ा है ठीक है एक होता है मीडियम पिज़्ज़ा ये स्मॉल है ये तो एक होता है मीडियम पिज़्जा एक होता है वेरी लार्ज पिज़्ज़ा ऐसे ही होता है ठीक है मैं बहुत ज़्यादा पिज़्जा नहीं खाता जैसे मैंने ड्राइंग बना दी ये हैं हमारे तीन पिज़्जाज ये है स्मॉल ये है मीडियम ये है लार्ज पिज़्ज़ा पॉइंट इज अगर तुम्हारे को अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करना है कि मैंने पिज्जा खाया है तो इसका मतलब क्या है तुम स्मॉल भी खा लोगे यू विल भीटिस्फाइड कि हाँ आई हैड अ पिज्जा जितने भी लोग ध्यान से सुनना जितने भी लोग जितने भी लोग ये इंस्टाग्राम वाले हैं जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो खाने फो, की फोटोज लेते हैं दे जस्ट सेटिस्फाई देम सेल्फ विद फूड फोटो का खींचना अलग बात है बट उनको कंसर्न नहीं है कि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले उस चीज से उनको खाने से बेस्ट पेट भरे उनका बेस्ट टेस्ट मिले उनको होता है बस खाना दिखने में क्यूट सा हो अच्छा सा हो इसकी फोटो ले ले। तो फोटो खींचने के लिए दैट इज गुड लेकिन खाने के लिए क्या होता है थोड़ा बहुत खा लिया चलो ठीक है बस हमें तो फोटो खींचनी थी मेन काफी लोग यही करते हैं ना मैंने भी देखे ऑफकोर्स ऐसे होते हैं सबके आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं सबकी लाइफ में मेरे भी हैं कुछ लोग ऐसे <laughs> तो पॉइंट इज uh, uh, का मतलब क्या होता है कि हमने सिर्फ उतना खाया कि अपने आप को सेटिसफाई कर रहे हैं मैक्सिमाइज के जितना हमारी कैपेसिटी थी हमने बिल्कुल उतना खाया कैपेसिटी या उससे ज्यादा खा लिया कहते हैं ना पेट भर गया नियत नहीं बढ़ी दैट इज हमारा मैक्सिमाइजिंग तो कंपनी के केस में मैक्सिमाइजिंग क्या होता है मैक्सिमाइजिंग मीन सीकिंग मैक्सिमम लेवल चाहे बहुत रिस्क हो चाहे वर्कलोड हो चाहे एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़े चाहे पेट की वाट लग जाए लेकिन हम तो खूब खाएंगे दैट इज मैक्सिमाइजिंग मीन फाइंडिंग मीयरलीट आउटकम होल्डिंग रिटर्न एट अटिस्फेक्ट्री लेवल अवॉइडिंग रिस्की वेंचर्स एंड रिड्यूसिंग वर्कलोड्स कि हमने सिर्फ लिमिटेड खाया उतना खाया कि हमारा नॉर्मल पेट भर जाए कोई एक्सेस नहीं खाना ताकि हम डाइट भी डाइट भी ठीक मेंटेन रहे एक्सेस भी नहीं खाना और अगर कुछ छोटा मोटा और भी खाना हो वो भी खा सकें प्रॉब्लम ना हो तो बिजनेस की सेंस में क्या होगा कि नॉर्मल हमारी आउटकम रहे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ना हो रिटर्न भी हमारी ठीक रहे एक एवरेज मेंटेन रहे रिस्की काम नहीं करना और वर्कलोड भी एक्सेस नहीं करना सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमाइजिंग एंड सैटिस्फाइजिंग बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट आता है हमारा स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्स अब ये जो गाइस टॉपिक है देखो मैं ये सारे टॉपिक तुम्हारे को यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा ध्यान से सुनना एल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स हेयर तुम्हें इसकी थ्योरी जो यहाँ दी हुई है इसको एक बार थॉरली पढ़ना पड़ेगा यू विल हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसको अगर मैं पढ़ता चला जाऊंगा दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया गोइंग टू बे वेस्ट ऑफ क्लास एंड वेस्ट ऑफ टाइम वो तुम आराम से पढ़ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम रीड करोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा ठीक है थीके? खुद भी सेल्फ स्टडी भी करोगे तब भी ऑफकोर्स समझ आ जाएगा बट कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो आप कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कराते हो <laughs> चलो अपनी तारीफ खुद करना चलो सो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट सो स्टेक होल्डर हमारे तीन टाइप के होते हैं वन इज इंटरनल स्टेक होल्डर अनदर इज कनेक्टेड स्टेड होल्डर और थर्ड इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर अब इनके बीच में जो डिफरेंस है ध्यान से सुनना इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर के बंदे देखो सिंपल सी बात यह है हमारी कंपनी कंपनी के जो अंदर के लोग हैं कंपनी के जो अंदर के लोग हैं कौन कौन से होते हैं कंपनी इंप्लॉयज कंपनी डायरेक्टर्स दीज आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर मीन्स हु आर इंटरेस्टेड इन एक तरह से इंटरेस्टेड इन कंपनीज वैल्यू या कंपनी प्रॉफिट कहता हूं मतलब प्रॉफिट एग्जैक्टली exactly नहीं वर्ड टर्म बट कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी की वैल्यू कंपनी की वैल्यू या इंटरेस्टेड इन कंपनी की वो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं नॉट परचेज करने में कंपनी के फाइनेंस में कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड होते स्टेक होल्डर आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन दी कंपनी कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं सबसे पहले होता है इंटरनल इंटरनल में कौन कौन आते हैं हमारे कंपनी इंप्लाइज एंड कंपनी मैनेजर्स डायरेक्टर्स अब कंपनी इंप्लॉयज का कंपनी के प्रॉफिट से अगर मैं इसको प्रॉफिट्स बोलूं समझाने के लिए सिर्फ हर चीज को हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है तो इंप्लॉयज का प्रॉफिट से क्या रिलेशन है कंपनी के कि कंपनी जितने मर्जी प्रॉफिट कमाए कमाई को क्या उनको तो सैलरी मिल रही है नहीं दे आर कंसर्न बिकॉज अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट क्यों कमा रही है क्योंकि इंप्लॉयज मेहनत कर रहे हैं तो अगर कंपनी खूब प्रॉफिट्स कमा रही है देन दे विल बी कंसर्न के प्रॉफिट्स में से हमें बोनस भी मिलना चाहिए है हाँ ना दे विल एक्सपेक्ट कि हमें बोनस मिले अगर कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है इंप्लॉयज़ की बदौलत वो काम कर रही है तो उनको बोनस मिलना चाहिए है हाँ ना और अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रही है और काफ़ी सालों से लॉसेस करती आ रही है तो इम्प्लॉयज़ माइट थिंक भाई ये कंपनी बंद हो सकती है हमें ये कंपनी छोड़ के जानी पड़ेगी लेकिन इंप्लॉयज़ को वो कैसे पता चलेगा जब वो कंपनी के प्रॉफिट चेक करेंगे फाइनेंशियल चेक करेंगे सो दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन दी कंपनीज प्रॉफिट या कंपनीज बुक्स दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज इंटरनल दोज आर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स अब मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स कंपनी के प्रॉफिट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए कंपनी की बुक्स हो गई कंपनी के अकाउंट्स हो गए इसमें क्यों इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज उनको तो मैनेजिंग करनी है चीजें जब वो बुक्स देखेंगे चेक करेंगे हमारे लॉसेज हैं तो क्यों लॉसेज आ रहे हैं डिसीजन लेने कि आगे कैसे कैसे करना है डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब कुछ करना वो सारा काम मैनेजर्स और डायरेक्टर्स का होता है डायरेक्टर्स देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आया है प्रॉफिट बांटना है कि नहीं बांटना हमें लॉसेज आ रहे हैं तो कैसे वो लॉसेज को मैनेज करने के अगले साल लॉसेज ना हो सो दैट इज डन बाय कंपनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी सो दीज आर इंटरनल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स अब आते हैं कनेक्टेड अब कनेक्टेड मतलब दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम द बिजनेस बिजनेस के अंदर के लोग नहीं है ये बट दे आर वन वे और अदर कनेक्टेड विद द बिजनेस कि इन्होंने बिजनेस को पैसे दिए हुए हैं या इन्होंने बिजनेस से सामान लिया हुआ है तो दे आर कनेक्टेड विद द बिजनेस एग्जाम्पल या कौन कौन से होते हैं हमारे शेयर होल्डर कई बच्चे सोचते हैं कैसे तो शेयर होल्डर तो इंटरनल बनते हैं ना उन्हीं की तो कंपनी है बट मैंने बताया शेयर होल्डर ओनर आर सेपरेट देस बिजनेस बिजनेस इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स ओनर्स अलग होते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे कस्टमर्स सप्लायर्स फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स लाइक बैंक जहां से हमने लोन लिया है और कॉम्पिटिटर्स सो दीज आर कनेक्टेड पीपल कॉम्पिटिटर्स वैसे देखा जाए तो हमारा एक्सटर्नल में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट इन्होंने कनेक्टेड में दिया है तो हम उसको कनेक्टेड में ही लिखेंगे वी विल नॉट गो बियॉन्ड द बुक जो बुक में लिखा है ऑथोराइज बुक है एस की आखिर तो हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा अब कनेक्टेड पीपल में ये लोग क्यों कंपनी की बुक्स में इंटरेस्टेड uh, होते हैं तो शेयर होल्डर क्यों प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं वो तो सभी को पता है कि अगर प्रॉफिट्स आएंगे तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी इनको डिविडेंड मिलेगा दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और अगर कंपनी के अकाउंट्स बहुत ही खराब चल रहे हैं वो डायरेक्टर को डांटेंगे भैया तुम क्या काम कर रहे हो तुम इतने पैसे अपनी कंपनी में लगाए हैं तुम कंपनी डुबाने में लगे हुए तो दे आर टोटली कंसर्न एंड उनका तो कंसर्न बनता ही है अब नेक्स्ट आते हैं कस्टमर्स अब तुम सोचो कस्टमर्स कंपनी की बुक्स में इंटरेस्टेड क्यों होंगे कभी तुमने सोचा तुम की बुक्स में तुम अगर मान लो एक कोलगेट के टूथपेस्ट यूज करते हो वाई यू विल भी इंटरेस्टेड इन कोलगेट के टूथपेस्ट का या चलो कोलगेट नहीं लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू आर अ कस्टमर ऑफ फोर्ड कंपनी या फोर्ड नहीं जैसे इंडिया में अभी बाइक थी हार्ले डेविडसन ठीक है

अब तुमने जब देखा कि कंपनी तो बहुत लॉसेस में जा रही है हर साल कंपनी की सेल्स खत्म होती जा रही है लॉसेस कम हो रही है सब कुछ हो रहे हैं एंड यू नाउ फील और तुम्हें इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है कि कंपनी हो सकता है इंडिया में अपने ऑपरेशन ही बंद कर दे सेल्स डिपार्टमेंट बंद कर दे सर्विसेज बंद कर दे तो इट विल अफेक्ट यू बेटा क्यों तुम्हें क्यों अफेक्ट होगा इस चीज से यू विल से यार कल को सर्विस सेंटर ही इसका बंद हो गया कोई प्रॉब्लम आ गई मैं कहां जाऊंगा मेरी तो बाइक बर्बाद होगी तो तुम क्या बोलोगे भाई बाइक को अभी बेचो इसकी जगह कोई सुजुकी की या होंडा की या पल्सर बजाज की कोई बाइक ले लो कम से कम वो इंडिया में कंटिन्यू तो कर रहे हैं ना सो दैट्स व्हाई कस्टमर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स बुक्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ वाई कंपनी सो दे आर आल्सो अ स्टेक होल्डर सप्लायर सप्लायर्स आर दो पीपल जिनसे हमने सामान क्रेडिट परचेस किया होता है वाई दे आर इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि क्या कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है और क्या कंपनी के अकाउंट्स वो देख रही है कि कंपनी के जो पेबल डेज है पेबल डेज पेबल डेज मतलब कि कितने टाइम में अप्रॉक्सीमेट कंपनी अपने पेबल्स को पैसे दे देती है कि जितने भी कंपनी के पेबल्स हैं पुराने हैं कंपनी कितने टाइम में उनको पैसे दे, दे देती है अ सप्लायर विल बी इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट और वो कहाँ से पता चलेगा उसको कंपनी के अकाउंट्स में से क्यों क्योंकि अगर कल को वो कंपनी को स्टॉक क्रेडिट पर दे सप्लायर ने दे दिया तो वो ये देखेगा ना कि मुझे कितने टाइम में पैसे मिल जाएंगे एक महीना दो महीना कोई कंपनी है जो एक एक दो साल तक पैसे नहीं दे रही तो डेफिनेटली वो उसको क्रेडिट पे स्टॉक नहीं देने वाला ठीक है ना और अगर बोलेगा लेना है तो कैश में ले लो दैट्स इट तो दिस इज वाइस सप्लायर वुड बी इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ द कंपनी अब नेक्स्ट आता है जिन्होंने हमें लोन दिया है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने भी हमें लोन दिया है वाई दे वुड बी इंटरेस्टेड ब उनको पता तो होना चाहिए ना कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे कहीं ऐसा तो नहीं हम इतने लॉसेज में जा रहे हैं एकदम से कंपनी बंद करके भाग जाएं हम सारे तो उससे क्या होगा इनका तो जो उन्होंने लोन दिया वो खत्म हो जाएगा तो वो कंपनी को नोटिस भेजेंगे कि आप लॉसेस में जा रहे हो आप पैसा नहीं टाइम पे पे कर रहे ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे हम आपके एसेट्स बेच देंगे तो दैट इज दे वाई दे आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी लास्ट आता है कॉम्पिटिटर्स जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वाई कॉम्पिटिटर्स वुड भी इंटरेस्टेड इन दी बुक्स कि कॉम्पिटिटर्स ये चेक करेंगे कि तुम अपनी कंपनी में कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हो और तुम कितना खर्चा कर रहे हो जैसे पेप्सी ने जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था पेप्सी ने अपनी कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम कर दी थी एडवर्टीजमेंट की तो कोक ने जब यह चीज देखी तो कोक ने भी एडवर्टीजमेंट काफी कम कर दी पहले पेप्सी ने कम की थी खाली कोक की आती थी फिर कोक ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट कम कर दी तो दैट इज लाइक कॉम्पिटिटर्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन दी अकाउंट बुक्स एंड आर कंपनी किसी भी तरीके से हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव में वो क्यों इंटरेस्टेड है कंपनी के फाइनेंशियल में वो क्यों इंटरेस्टेड है तो दीज आर वन वे और दी अंदर कनेक्टेड विद द बिजनेस इज एनी वे कॉम्पिटिटर मैंने बताया था मैं आई डोंट फील कॉम्पिटेटर टू बी कनेक्टेड बट स्टिल यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब देन आता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल आर दोज पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस इज एनी वे उनका बिजनेस से कोई डीलिंग नहीं चल रही है कोई ना उन्होंने पैसे देने हैं कोई ना उन्होंने पैसे लेने हैं बिजनेस से ठीक है मतलब पैसे लेने वाले होते हैं ऑफकोर्स बट उनकी बिजनेस से कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है लेकिन वो बिजनेस की बुक्स में अकाउंट्स में कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी के रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड होंगे कौन कौन सबसे पहली गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी इस चीज़ में गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा ना कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट कमा है रही है कि वो टैक्स चोरी तो नहीं कर रही ठीक है ना दे विल इंटरेस्टेड कि क्या कंपनी अपना टैक्स टाइम पे पे कर रही है तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी कम्युनिटी एट अ लार्ज अब कम्युनिटी एट अ लार्ज वो क्या इंटरेस्टेड होंगे हमारी कंपनी में कम्युनिटी एट अ लार्ज वाले लोग क्या बोलेंगे ये वो लोग होते हैं जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल मैं पिज़्ज़ा हट गया ठीक है अभी मैंने खाना कुछ नहीं खाया पिज़्ज़ा हट का स्टिल आई एक्सपेक्ट कि पिज़्ज़ा हट जो पिज़्ज़ा दे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो उसमें उसमें गंद ना हो ठीक है उसके अंदर कुछ ऐसी बेकार चीज़ें ना हो कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें ना हो हमें फ़्रेश चीज़ें मिले हम अगर मार्केट से सामान परचेज़ करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ़्रेश चीज़ें मिले या yeah, हमने अगर परचेज भी नहीं किया स्टिल वी एक्सपेक्ट के चीज़ें ऑर्गेनिक होनी चाहिए सब कुछ होनी चाहिए सो दोज आर कम्युनिटी एट अ लार्ज सो दे विल बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट्स एंड बुक्स ऑफ द कंपनी कि अगर उनको अच्छा लग रहा है तो दे कैन बी कस्टमर बट इफ दे आर नॉट कस्टमर स्टिल दे वॉन्ट टू लुक एट द कंपनी कि कंपनी कैसे बुक्स मेंटेन कर रही है कैसे काम कर रही है क्या उसका वर्किंग स्टाइल है ताकि उनको ये पता चले कि कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज ये सब तो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही तो दैट इज़ कम्युनिटी एट अ लार्ज उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप प्रेशर ग्रुप को सीधा बोल देते हैं जैसे इन्वायरमेंटल ग्रुप इन्वायरमेंटल ग्रुप क्या होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी कंपनी इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही कि बहुत पॉल्यूट पॉल्यूशन फैला रही है साउंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन तो दैट इज प्रेशर ग्रुप्स दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन दी अकाउंट्स बुक्स वर्किंग ऑफ दी कंपनी के कंपनी से दे आर नॉट कनेक्टेड विद दंपनी एनी वे बट स्टिल दे विल बी लुकिंग एट दी बुक्स ऑफ द कंपनी की कंपनी कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं यूज कर रही अपने अकाउंट्स के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर जो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए जैसे आजकल प्लास्टिक बैन हो रहा है हर जगह ठीक है ना सो दैट इज प्रेशर ग्रुप्स और लास्ट आते हैं रेगुलेटर्स अब रेगुलेटर्स जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे स्टॉक एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज में तुमने अपना स्टॉक लिस्ट किया हुआ है बट कोई ये नहीं है कि वहां से तुम्हें कोई डीलिंग चल रही है तुम्हारी स्टिल दे विल भी इंटरेस्टेड इन योर बुक्स कि तुम्हारी बुक्स ठीक है तुमने कहीं बुक्स में गड़बड़ तो नहीं की हुई कि तुम स्टॉक का प्राइस जानबूझ के इन्फ्लेट कर रहे हो बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तो दैट्स वाई दे विल बी इंटरेस्टेड इन द बुक्स सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर कनेक्टेड विद द बिजनेस इन वन वे और द अदर एक होता है इंटरनल इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं इम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स कनेक्टेड हु आर नॉट द हु आर नॉट इन साइड द कंपनी बट दे आर एनी वे कनेक्टेड विद द बिजनेस चाहे उनकी कोई बिजनेस इनडायरेक्ट डीलिंग चल रही है जैसे शेयर होल्डर पैसे इन्वेस्ट करें कस्टमर सामान परचेज करता है सप्लायर क्रेडिट पे स्टॉक देता है फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स ने लोन दिया हुआ है और कॉम्पिटिटर्स मैंने बताया था तुम्हें एक्सटर्नल <laughs> मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट स्टिल दे विल बी इंटरेस्टेड इन कंपनी, जैसे गवर्नमेंट की वो टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही कम्युनिटी एट लार्ज प्रेशर ग्रुप्स एंड रेगुलेटर्स ठीक है पॉइंट इज जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स उनका काम होता है अच्छे से बैलेंस मेंटेन करना ताकि सारे स्टेक होल्डर की नीड पूरी हो ऐसा नहीं है कि बस इन्वेस्टर खुश रहें बाकी सारे लोग रोए ऐसा नहीं उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सारे खुश हों हमें लगता है ना कि एक फाइनेंशियल मैनेजर है उसको तो अच्छे खासे दो तीन चार करोड़ का पैकेज है उसका तो दैट मीन्स कितने पैसे कमा रहे हैं बट जब पता चलेगा ना कि कितना कुछ काम करना पड़ता है देन यू विल कम टू नो और जब तुम ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तुम भी एक फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो अगर ये chapter, ये चैप्टर सब्जेक्ट तुम अच्छे से उसको इनकॉर्पोरेट करोगे इस चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे भूलोगे नहीं कभी ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया था एक बार ये सारा पढ़ लेना यू विल गेट टू नो अबाउट इज वेरी क्लियरली कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें अब हम लास्ट क्वेश्चन टॉपिक करते हैं आज का वीडियो काफी लंबी बन गई है तो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्लिक्ट अब स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है अब स्टेक होल्डर्स अब बिजनेस में अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं अब उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक स्टेक होल्डर क्या सोच रहे दूसरा क्या सोच रहे हैं जैसे पहला इंप्लॉइज एंड शेयर होल्डर सिंपल सा एक्जाम्पल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी करूंगा इंप्लॉयज़ सोचेंगे कि हमें बोनस ज्यादा मिले शेयर होल्डर बोलेंगे हमें डिविडेंड ज्यादा मिले तो अगर इंप्लॉयज़ को बोनस दे दिया तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा क्योंकि पैसे कम बचेंगे इनको डिविडेंड देना है तो इंप्लॉयज़ को बोनस कम देना पड़ेगा सो so, एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टे हो सकता है कस्टमर एंड कम्युनिटी एट लार्ज कस्टमर बोलेगा भाई हमें तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए कम्युनिटी बोलेगी सस्ते के चक्कर में डिग्रेडेड ये काम कर रहे हैं पॉल्यूशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट शेयर होल्डर एंड फाइनेंशियल प्रोवाइडर शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड इन कि हमारे प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिले फाइनेंशियल प्रोवाइडर कहेंगे भैया प्रॉफिट तुम्हें डिविडेंड मिले ना मिले हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें अपना लोन पूरा चाहिए टाइम पे वो बोलेंगे हमें भाई अपना लोन जो है वो पूरा पूरा टाइम पे चाहिए शेयर होल्डर बोलेंगे कि रिस्की ऑपरेशन करो कोई चक्कर नहीं बहुत सारे लोन उठाओ सब कुछ करो हमें तो प्रॉफिट खूब कमाना है फाइनेंशियल प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई हम नहीं लोन देने वाले ऐसे कैसे तुम और लोन उठा लो हमसे भी लोन लिया हुआ इससे भी लोन ले लिया इसे भी लोन ले लिया इसे भी लोन ले लिया, 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 लिया हर जगह से लोन उठाए जा रहे हो बिजनेस कल को बंद हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे तो शेयर होल्डर सोचेंगे ना ना तो लोन ले रिस्क ले भाई ले कर कर और फाइनेंशियल प्रोवाइडर कुछ और बोलेंगे तो बेचारे मैनेजर पर कितना प्रेशर आया हुआ देख रहे हो कस्टमर एंड शेयर होल्डर गवर्नमेंट शेयर होल्डर ये चीज़ तुम एक बार जब ऊपर पढ़ोगे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इसको अच्छे से पढ़ के इसको अच्छे से समझ लेना ठीक है आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम्प्लीट दिस चैप्टर और प्लीज़ इस वीडियो के बाद मुझे इसके रिव्यूज़ देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड कोई भी तुम्हारे पास मेरे लिए सजेशन है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन uh, में बताना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ जो भी इसी कर रहे हैं सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोज़ Chalo, bye guys, take care and have a great.